नमस्कार दोस्तों, मैं गुस्सर देवांगन आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपने बैकग्राउंड नॉइस को कैसे रिमूव कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो फ्रेंड हम बैकग्राउंड नॉइस रिमूव करने के लिए कूलर या तो फिर पंखे का सहारा लेंगे। फ्रेंड आप चाहे तो कूलर का सहारा ले सकते हैं या तो फैन का सहारा ले सकते हैं। तो फ्रेंड उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका बैकग्राउंड नॉइस जो है रिमूव नहीं होता है तो इस वीडियो को आप डिसलाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड सबसे पहले जैसे ही फैन ऑन करेंगे, फ्रेंड फैन ऑन करने के बाद आपको रिकॉर्डिंग चालू करना है। रिकॉर्डिंग चालू करने के बाद फ्रेंड आपको 10 सेकंड या 5 सेकंड तक कुछ नहीं बोलना है, 5 से 10 सेकंड तक आपको शांत रहना है। फ्रेंड जैसे 5-10 सेकंड चालू होगा फ्रेंड उसके बाद आपको बोलना स्टार्ट करना है। उसके बाद फ्रेंड आपको रिकॉर्डिंग कर लेना है। फ्रेंड उसके बाद आपको चले जाना है फ्रेंड एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने, आप प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा वेव पेड नाम का एप्लीकेशन है फ्रेंड, उसको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए फ्रेंड आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे ले जाकर समझाता हूँ कि किस तरीके से आपको बैकग्राउंड नॉइज जो है उसको रिमूव कर सकते हैं। एकदम लाइव प्रूफ दूंगा फ्रेंड, ऐसे नहीं कि एकदम कोई फेक वीडियो नहीं है। फ्रेंड आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा, मेरे को पता है कि आपने यूट्यूबर लोग इतने सारे यूट्यूबर लोग आपको बताएंगे लेकिन आपने करके भी देखा होगा लेकिन आपका जो बैकग्राउंड नॉइज है रिमूव नहीं होगा। मैं भी बहुत दिनों से परेशान था फ्रेंड, ये चीज मेरे को भी आज पता चली है तो मैंने सोचा कि आप लोग से शेयर करूं। तो चलिए फ्रेंड हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो फाइनली हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद आपको वेवपेड नाम का एप्लीकेशन है, इसे आपको प्ले स्टोर में जाके आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली इसे ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड में ऊपर में एड प्लस का ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद इम्पोर्ट फ्रॉम फोल्डर में आपको प्रेस करना है। उसके बाद इसे प्रेस करने के बाद आपको चले जाना है, जो आपको जो रिकॉर्डिंग किए हैं उसे आपको यहाँ से इम्पोर्ट कर लेना है। इम्पोर्ट करने के लिए हर लेफ्ट साइड में बॉक्स बना है, इसमें आपको चेक मार्क लगाना है। जैसे इसमें चेक मार्क लगाएंगे उसके बाद राइट ऊपर कॉर्नर में ओके का ऑप्शन में इसमें आपको सिंपली टैप कर लेना है। इसमें टैप करने के बाद देख सकते हैं नीचे में ये आ चुका है, आपका एक्सपोर्ट हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ से सिंपली इसके ऊपर आपको टैप कर लेना है। जैसे सिंपली टैप करेंगे यहाँ आपका एडिट करने का ऑप्शन दिया है। सबसे पहले मैं इसको आपको प्ले करके सुना देता हूँ कि इसमें कितना सारा नॉइज भरा हुआ है, इसको हम एकदम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो मैं इसको प्ले कर लेता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में क्लिक कर दें। तो आपने देखा इसमें कितना सारा नॉइस है, इसको सिंपली हम लोग एकदम आसानी से बिल्कुल इसको वॉइस रिमूव करने के लिए आपको सिंपली यहां से लेकर 5 सेकंड तक आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैंने आपको पहले भी समझाया था जब आप फैन ऑन करेंगे तो 10 सेकंड तक कुछ नहीं बोलना है। तो जैसे मैंने भी 5 से लेकर 7 सेकंड तक कुछ नहीं बोला था, उसी 5 से लेकर 7 सेकंड तक सेलेक्ट करना है। 7 सेकंड से ज्यादा सेलेक्ट कर लेंगे तो यह नहीं लेगा, 7 सेकंड से कम ही सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इफेक्ट में चले जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद आपको इधर राइट साइड में क्लीन अप दिखेगा, क्लीन अप में आपको चले जाना है। क्लीन अप में जाने के बाद आपको यहाँ से ग्रेप नॉइज सैंपल में आपको क्लिक कर लेना है। ग्रेप नॉइज सैंपल में क्लिक करेंगे उसके बाद आपको पूरा सेलेक्ट कर लेना है। पूरा सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर क्लीन अप में चले जाना है। क्लीन अप में जाने के बाद आपको अप्लाई सबट्रैक्शन फ्रॉम नॉइस लिखा है, इसमें आपको सिंपली टैप कर लेना है। उसके बाद इसका जो जितना भी बैकग्राउंड नॉइस था ये सारा पूरा रिमूव हो चुका है। उसके बाद मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड इसका जितना भी बैकग्राउंड नॉइस है वो सारा रिमूव हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में क्लिक कर दें। तो सारा रिमूव होने के बाद आपको करना क्या है, एडिट में चले जाना है। एडिट में जाने के बाद आपको फाइल में चले जाना है। फाइल में जाने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर लेना है। सेव पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक्सपोर्ट में क्लिक करना है। एक्सपोर्ट में क्लिक करने के बाद आपको एक्सपोर्ट टू फोल्डर, उसके बाद इसको उस फोल्डर को सेलेक्ट करना है जहां आप इसे सेव करना चाहते हैं। तो मैं यहां पर सेव करना चाहता हूं वेवपेड नाम का फोल्डर, इसमें आपको मैं सेव कर लेना चाहता हूँ। यहाँ से मैं सेव कर चुका हूँ। सेव करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से जाके मैं आपको फिर से प्ले करके दिखा देता हूँ ये वेवपेड स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में क्लिक कर दें। तो फ्रेंड अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में प्रेस करके आल पे प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो में। आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए।